कि जिस सावित्री बाई फुले का हम जन्मदिन मना रहे हैं और जब हम उनके इतिहास में चर्चा करते हैं, जब तक कोई ज्योतिबा सावित्री का हाथ पकड़ करके आगे नहीं लाएगा, तब तक वो कभी भी सावित्री नहीं बन पाएगी। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, सभी से, अपने आप को ज्योतिबा से सीख लो और अपने घर में सावित्रियां पैदा करना शुरू करो। एक दूसरा, समाज को अगर आगे ले जाना है तो चाहे सिखिज्म हो, चाहे मुस्लिम का हो, कहीं का भी, लोग बाग कुछ न कुछ दान जरूर देते हैं। हिंदुत्व भी आजकल दान इकट्ठा कर रहा है तुम्हारी सर कलम करने को। और एक चीज़ याद रखना, अपने घरों में जाओ, हथियार कोई मत रखो, लेकिन रोज़मर्रा के उपयोग में लाने वाले औजार, जैसे हसिया है, खुरपी है, चाकू है, और ये सब छोटी छोटे औजार हैं जिससे कम से कम आत्मरक्षा नहीं कर सकते, तो नज़दीक से कोई मारने आए उसे मार तो सकते हो। गुजरात में क्या हुआ जब मुसलमानों पे अटैक हुआ, 84 में क्या हुआ जब यहाँ पे सिखों को मारा जा रहा था, प्रशासन देख रहा था और सोच रहा था कि बाद में हम अपने निपटारा कर लेंगे, और हम दलितों के साथ में ये अमूमन होता ही रहता है। तो इन सब बातों के बीच देश किन परिस्थितियों में गुजरता है, आज एक इतिहास को लेकर के थोड़ा सा खंगाल दिया कि पद्मावती नाम की एक महिला की करुण गाथा चित्रांकित करके फिल्मों में लाने का कोशिश किया गया। सच्चाई उसमें यह है, वो हमारे पुरुषार्थ, हमारे मतलब हम तो उस समय पुरुषार्थ में शामिल ही नहीं थे, यहाँ के क्षत्रियों के पुरुषार्थ से भयभीत थी। उसे पता था कि ये मर के आएगा, इसके बाद भी मुझे जला दिया जाएगा जिंदा और नाम सती दे दिया जाएगा। उस डर की वजह से उन्होंने कहा कि ये तो जाएंगे, ये करके तो कुछ आएंगे नहीं, क्योंकि अशोका सम्राट अशोका के बाद अगर किसी ने युद्ध में कोई फतेह हासिल की है तो एक गुरु गोविंद सिंह हैं जिन्होंने कहा था कि सूरा वो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत, कतरा कतरा गिर मरे तबू ने छाड़े खेत। उस गुरु गोविंद सिंह के सिवा और किसी ने आज तक दीनहीन के लिए रक्षार्थ नहीं काम किया। यहाँ का पौरुष और जो छत्री है वो बिल्कुल नपुंसकता का शिकार रहा है, वो अब उसको एक्सपोजर नहीं होने देना चाहता, और जहाँ जहाँ एक्सपोजर होता है, चाहे वो कोरेगांव वाला का मामला हो, और अब तो आप देखिए हमारे इतिहास के अब पन्ने पलटे जाने लगे हैं, अब वो खुलेंगे, जितने खुलते जाएंगे उतने ही इन लोगों को मालूम पड़ता जाएगा कि क्या है। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है अपने को संगठित रखने के लिए, और इन सब चीज़ों में अपने आप को अपने घर में सुरक्षा का इंतजाम जरूर करें। ये कभी भी हमारे ऊपर कुछ भी गलत हो सकता है, उस समय हमें देखना नहीं है, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। इन्हीं सब बातों के बीच आप सब लोग यहाँ पर पधारे, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।